हे गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है रिसेंटली लॉन्च हुआ बोट की तरफ से बोट रॉकर्स 355। ये आज सुबह ही मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है एंड मैं नॉर्मली 2-4 दिन यूज करने के बाद प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ, बट आप लोग बहुत बार कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि भाई इसका क्वालिटी किस तरह का है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट करने के बारे में सोचा हूं, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाए कि इसको लेना चाहिए या फिर नहीं इस बिग बिलियन डे सेल के दौरान, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाए। और ये मेरे पास सुबह ही डिलीवर्ड हो गया था, तो 6-7 घंटा करीब मैंने इसको यूज किया एंड उसके बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप इसको परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभिधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सारा डिलेस करें, बात करने से पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। हालांकि इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर लिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग के अंदर ये आता है। और दोस्तों, ये है हमारा नया कटा जिसको मैंने रेड कलर में परचेस किया, ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब वाला याद दिला सकूं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर दीजिएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास बोट रॉकर्स 335 का एक बॉक्स, जो कि शायद आप पहली बार देख रहे हैं एंड यहाँ पे बिग बिलियन डे स्पेशल का लोगो भी लगा हुआ है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने में आपको ताजमहल का लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो ये एक टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जैसा यहाँ पर कहा गया है। एंड अगर आप पीछे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मेंशन देखने को मिल जाएगा एंड डुअल कस्टम एयर हुक्स भी आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा चीज मुझे लगा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉक्स के अंदर जो प्राइस लिखा गया है वो है 3999 रुपीज का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आप पहली बार बोट 335 का अनबॉक्सिंग देख रहे हैं, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी बोट का ईयरफोन का पैकेजिंग मुझे अच्छा नहीं लगता, बट इसका जो पैकेजिंग है वो भाई काफी जबरदस्त लग रहा है मुझे। तो चलिए पहले हेडफोन को रखते हैं साइड में एंड देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ और देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको एक मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग जैसा मिल जाता है, एक डेटा केबल मिलता है, ये है यूएसबी टाइप सी का, तो ये एक अच्छा चीज है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक यूजर गाइड दिया गया है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये गूगल फास्ट पेयरिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ये चीज आपको मेंशन मिल जाता है। साथ में आपको 1 साल का स्टैंडर्ड वारंटी कार्ड एंड ये जो बोट के सभी प्रोडक्ट में होता है तो वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर 2 एक्स्ट्रा पेयर एयर टिप्स के साथ साथ 1 पेयर एक्स्ट्रा एयर हुक भी दिया गया एंड यहाँ पे एक अलग लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में। सो यहाँ पे अगर आप इसके बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे साइड में जो हाउसिंग है वो आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी का प्लास्टिक मुझे यहाँ पर लगा है। यहाँ पे अगर आप बोट रॉकर्स 355 को देखेंगे तो यहाँ पे साइड में एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज किया गया था, बट यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है। और यहाँ पे जो क्विक स्विच बटन दिया गया, इसका टैक्टाइल फीडबैक मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा, बहुत जोर से आपको प्रेस करना पड़ता है। बाकी ये सब बटन का टैक्टाइल फीडबैक ठीक है, बट ये मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा क्विक स्विच बटन का। और इस साइड में आपको बोट का ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जॉइंट के साइड में आपको हल्का सा सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, ऊपर के साइड में एंड नीचे के साइड में। एंड यहाँ पे अगर आप इसके वायर को देखेंगे तो वायर का जो क्वालिटी है वो आपको एवरेज सा मिल जाता है, बहुत मोटा भी मैं नहीं कहूंगा, नॉर्मल सा आपको यहाँ पर क्वालिटी मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे के साइड में जो नेक बैंड में सिलिकॉन रबर का यूज किया गया, इसका क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप पॉकेट में भर के कहीं पे ईयरफोन को कैरी करना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, बट ये उतना मोटा नहीं है, थोड़ा सा पतला आपको देखने को मिल जाता है और इसी वजह से साइड का हाउसिंग देखने में आपको थोड़ा सा मोटा लगता है। एंड यहाँ पे आपको पीछे के साइड में यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। और बोट के मैक्सिमम वीडियो में मैं कहता हूँ कि इसका जो एयर टिप का क्वालिटी है वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो वो सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के अंदर ये जो एक्स्ट्रा पेयर एयर हुक्स दिया गया वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो घुमाने वाला एयर हुक्स है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भी बोट का कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो हमेशा मैं एयर हुक्स को निकाल के ही यूज करना पसंद करता हूँ, बट ये जो एयर हुक्स का डिजाइन दिया गया ये मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। मैं इसको यूज करके 1-2 घंटा करीबन गाना सुना तो मुझे यहाँ पर कोई पेन वगैरह देखने को नहीं मिला, तो ये चीज यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप इसके ईयरबड को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक कलर के साथ आता है, यहाँ पे ब्लू कलर का एक प्रोटेक्टर लगा हुआ था, नॉर्मली ये आपको सिल्वर कलर जैसा दिखने में लगता है। एंड ईयरबड के पीछे के साइड में आपको यहाँ पे मेटल का फ्रेम मिल जाता है एंड यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। एंड सामने का जो हिस्सा कुछ एंगल में आपको यहाँ पे टिल्टेड मिल जाता है, बट 45 डिग्री एंगल में ये टिल्टेड नहीं है, हल्का सा मुझे यहाँ पे कम लगा है। ओवरऑल इसका जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे एवरेज लगा है, अगर यहाँ पे साइड में फ्रेम को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाता तो और भी अच्छा यहाँ पर हो सकता था। और अगर बात करूँ इसके म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में तो कंपनी का कहना है कि आप इसको
30 घंटा कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। मैंने उतना तो टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये आज ही आया है, बट नॉर्मली अगर आपको 15-16 घंटे से ज्यादा मिलता है तो काफी अच्छा आप इसको कह सकते हैं। और अगर बात करो इसके चार्जिंग टाइम के बारे में तो ये क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं एंड 40 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। 10 वाट के चार्जर को ये सपोर्ट करता है और शायद ये बोट की तरफ से पहला प्रोडक्ट है जहां पे आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड गूगल का जो फास्ट पेयरिंग है वो बहुत ही इजीली कनेक्ट होता है आपके मोबाइल के साथ। अगर आपका मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ भी है ना तो भी अगर आप इसको पास में रखेंगे मोबाइल का और जैसे आप नेकबैंड को ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पॉप आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जब भी आप पहली बार किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। बट जब मैं इसको पहली बार मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत देर तक ट्राई किया बट लग रहा है कि कोई बैटरी परसेंटेज यहाँ पर बचा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ऑन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इसको पावर बटन को प्रेस करने से ऑन होगा क्या? A few moments later. तो इसके अंदर लग रहा है कि कोई चार्ज नहीं बचा हुआ है, तो देखते हैं थोड़ा चार्ज करने के बाद। A few minutes later. तो गाइस यहाँ पर मैंने 5 मिनट इसको चार्ज किया, अभी फिर से देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ। भाई पावर तो यहाँ पर इंडिकेटर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं लग रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। One hour later. भाई ऑन हो गया, लग रहा है ऑन हो गया। यहाँ पे बोट रॉकर्स 335 दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो कनेक्टेड हो चुका है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज जो है वो 100% दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट बड वाला फीचर्स तो देखने को मिल जाता है बट ये एकदम भी ऑफ नहीं होता है, स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर वगैरह जब यूज करते हैं ना तो स्लीप मोड में जब चला जाता है तो उस तरह का सीन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्विक स्विच जो बटन है उसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये स्विच ऑफ होता है या फिर स्विच ऑन होता है। तो ये थोड़ा सा अलग सीन यहाँ पर दिया गया जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि नॉर्मली मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला जितना भी ईयरफोन आता है वो बहुत ही इजीली कनेक्ट होता है, आपको अलग से यहाँ पे पावर ऑन या ऑफ करने का बटन का जरूरत नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे ये चीज दिया गया है। और अगर बात करूँ उसके कनेक्टिविटी के बारे में तो हाँ ये बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो जाता है जब ये स्लीप मोड में रहता है, बट अगर आप इसको ऑफ कर देते उसके बाद ऑन करके फिर से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग जाता है। और अगर बात करो कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर 10 मीटर डिस्टेंस के अंदर आप इसको यूज करना चाहते तो आप बहुत ही सीमलेसली कनेक्टेड हो सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जितना अभी तक टेस्ट किया हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ड्यूल पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है तो आप एक साथ में दो डिवाइस के साथ बहुत ही इजीली कनेक्टेड रह सकते हैं। जो आपको क्विक स्विच बटन मिलता है उसको प्रेस करके आप बहुत ही इजीली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको कॉलिंग के लिए परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम सीवीसी 8.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि कॉल नॉइज आइसोलेशन का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि किस तरह का आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाएगा जब आप फोन में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है बोट रॉकर्स 355 के इस माइक से और जो कॉल है वो रिसीवर एंड में रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैंने दूसरे एक मेरे नंबर पे कॉल किया है एंड कॉल उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को बेटर अंदाजा लग सके कि आपको किस तरह का यहाँ पर माइक का क्वालिटी मिल जाएगा। एंड मैं भी रूम के अंदर हूँ, फैन जो है वो बहुत ही कम आवाज में चल रहा है तो आपको किस तरह का नॉइज वगैरह मिल रहा है, मेरा साउंड किस तरह का मिल रहा है वो आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड मैं अगर यहाँ पर आपको फैन को फुल करके दिखाऊँ ना तो यहाँ पर मैंने फैन को फुल करके मैं एक फैन के नीचे खड़ा हूँ तो आपको यहाँ पे फैन का जो नॉइज है वो किस तरह का मिल रहा है वो आप और भी अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आपको बेटर अंदाजा लग जाएगा किसका माइक का क्वालिटी आपको किस तरह का मिलेगा अगर आप बाहर में नॉइज़ी एरिया में जाके बात करते हैं उस कंडीशन में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रूम का जो फैन है वो फुल स्पीड में है एंड किस तरह का आपको यहाँ पे कॉल क्वालिटी मिल जा रहा है। तो अभी मैंने इसको उतना तो टेस्ट नहीं किया हुआ तो मैं डिटेल में नहीं कह पाऊंगा कि किस तरह का आपको यहाँ पे कॉल क्वालिटी मिल जाता है, बट इससे मैंने आज 2-3 कॉल लिया है। मैं बाइक चलाते चलाते भी कॉल ले रहा था 20-30 के स्पीड से तो मुझे उल्टा साइड में कोई कंप्लेंट नहीं मिला कि आपका आवाज नहीं सुनने को मिल रहा है। बट ये जो कॉलिंग टेस्ट हमने किया है उसके हिसाब से आप डेफिनेटली तो जान पाएंगे कि थोड़ा बहुत आपको किस तरह का कॉल क्वालिटी यहाँ पर मिल जाता है, फैन का नॉइज आपको मिल रहा था या नहीं, तो उसके हिसाब से आपको किस तरह का क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगा जब आप इसको आउटडोर यूज करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूंगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हो या फिर कमेंट करके हो या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हो। तो अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना जरूर मत भूलिएगा, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करूँ इस बोट रॉकर्स 255 के साउंड क्वालिटी के बारे में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है कि यहाँ पे आपको एक 12mm का ग्राफिन ड्राइवर देखने को मिलता है। पहली बार मैंने इस तरह का ड्राइवर का नाम सुना था तो मैंने गूगल में जाके जब सर्च किया तो मुझे बहुत सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिला है एंड ये जो ड्राइवर होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है इस तरह का मुझे पता चला। तो हाँ जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो ये चीज मैंने नोटिस किया था कि इसका जो एयर प्लग है ये बहुत ज्यादा आपको लाइट वेट मिल जाता है एंड ये इसी रीजन से है कि यहाँ पे आपको ग्राफिन ड्राइवर मिल जाता है। तो जब आप इसको बहुत लंबे समय तक कान में लगा के यूज करते हैं ना तो आपको काफी कंफर्टेबल ये लगता है, आपको नॉर्मली बोट का जो दूसरा ईयरफोन होता है उस तरह का आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए साउंड क्वालिटी की बात करने से पहले देखते हैं कि इसका साउंड कितना ज्यादा आपको लाउड मिल जाता है।
तो अगर बात करूँ बोट रॉकर्स 355 के साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसके साउंड क्वालिटी से मैं थोड़ा बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि बोट का जितना भी ईयरफोन आता है ना, उसमें आपको जो बेस है वो आपको बहुत पंची देखने को मिलता है एंड काफ़ी बूम बूम करके लगता है। बोट इसको सिग्नेचर साउंड के हिसाब से ही पुकारता है, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो बेस है वो आपको बहुत पंची तो नहीं मिलता है, बहुत डीप भी नहीं मिलता है, काफ़ी आपको बैलेंस है यहाँ पर बेस दिया गया है। और साथ में जो ट्रेवल का क्वालिटी है, जो वोकल्स का क्वालिटी है, वो भी मुझे काफ़ी क्लियर यहाँ पर लगा है। इसका जो साउंड क्वालिटी वो मुझे रियलमी के ईयरफोन के जैसा करीब करीब लग रहा था। तो हो सकता है कि बोट इस बार थोड़ा अलग करने की कोशिश किया है, क्योंकि Realme का जो एयरफोन है वो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो Realme को टक्कर देने के लिए भी ये चीज हो सकता है कि ये जो ग्राफिन डाइवर्ट दिया गया इसके कारण भी ये चीज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो बोट रॉकर्स 355 है, यहाँ पर भी आपको Qualcomm AptX का सपोर्ट मिल जाता है, बट यहाँ पर जो बेस है वो आपको बहुत पंची देखने को मिलता है, बट ये चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि नॉर्मली इसी तरह का साउंड क्वालिटी मैं पसंद करता हूँ, बट अगर आप इंडियन यूजर को देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों को बेस टाइप का गाना सुनना पसंद है। तो फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करते कि आपको किस टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद है। अगर आपको बेस टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद है तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आपको रोमांटिक टाइप का, सैड टाइप का या फिर क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप डेफिनेटली बोट रॉकर्स 355 के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजिंग का कोई भी इशूज देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कुछ मूवीज का पार्ट या फिर यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था, तो यहां पे मैं ये चीज आपको डेफिनेटली कह सकता हूं। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कोई भी गेमिंग मोड वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप इसके साथ गेम खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी देखने को मिल जाता है। मैं BGMI खेल के टेस्ट करा था, तो चलिए मैं उसका सैंपल आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें आपको कोई भी गेमिंग मोड ना मिलने के कारण काफ़ी आपको लेटेंसी यहाँ पर मिल रहा है। जो गोली का साउंड है वो बहुत डिले से आ रहा है, तो एकदम भी ये सजेस्टेड नहीं है गेमिंग पर्पस पे। और यहाँ पे इसका जो वायर है वो मुझे हल्का सा छोटा लगा, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरे नेकबैंड के वायर के साथ। जब मैं इसको आज यूज़ कर रहा था तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया, बट हालांकि इसके कारण आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं किया, बट हाँ हल्का सा छोटा मिलता है इसलिए मैंने आपको नोटिस करवा दिया। तो दोस्तों, अगर फाइनली बात करो बोट रॉकर्स 355 आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर सच करूँ ना तो मुझे इससे जितना एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो देखने में आपको 700-800 रुपए के ईयरफोन के जैसा लगता है। डेफिनेटली ये और भी बेटर हो सकता था, इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी वो और भी बेटर हो सकता था, बट ये चीज यहां पर इग्नोर किया गया। एंड जो बटन का टैक्टाइल फीडबैक है वो भी मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा है। और साथ में बोट के सभी नेकबैंड का जैसा यहां पर भी आपको कोई भी गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इस ईयरफोन का। रियलमी बड्स Q2 नियो आजकल सेल में आपको 999 रुपीज में देखने को मिल रहा है, उसमें भी आपको गेमिंग मोड दिया था, बट इस ईयरफोन में भी आपको गेमिंग मोड नहीं मिलता है। बट अगर आप बैटरी बैकअप को देखेंगे तो काफी अच्छा यहां पर आपको मिल जाता है। जो साउंड क्वालिटी वो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, एंड साथ में जो कॉल क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। जितना भी मैंने टेस्ट किया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, एंड मैंने जितना यूज किया उसके हिसाब से मैं इसको रिकमेंड तो नहीं कर सकता, बट मेरे हिसाब से अगर इसका प्राइस 13-1400 होता तो डेफिनेटली मैं इसको सजेस्ट कर सकता था। बट अगर आप ऊपर में देखेंगे तो यहां पे द वोकल्स लोकल्स मेड इन इंडिया इस तरह से लिखा हुआ है, तो अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट्स में आके बोलते रहते कि हम लोग जो रियलमी या फिर वन प्लस का वीडियो करते हैं वहां पर कि भाई इंडिया के प्रोडक्ट को सपोर्ट करो। तो अगर आप इंडिया के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्विक रिव्यू था, जितना मैंने आज यूज किया उसके हिसाब से जो भी मुझे ठीक लगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ताकि इस बिग बिलियन डे में आप खरीदे या फिर ना खरीदे वो आप डिसाइड कर पाए। एंड मैं इसको 7-10 दिन यूज करने के बाद एक डिटेल रिव्यू वीडियो चैनल पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि फ्यूचर के लिए भी मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप इसको परचेस करें या फिर ना करें। तो दोस्तों, फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।